अमरपाटन को करोड़ों रुपयों के विकास कार्य की सौगात मिली है। राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल और जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया और कई नए विकास कार्य के लिए भूमि पूजन भी किया। जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला और राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल जब अमरपाटन विधानसभा के रामनगर पहुंचे तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। रामनगर में राजेंद्र शुक्ला और रामखेलावन पटेल ने लगभग 5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुए शासकीय महाविद्यालय का लोकार्पण किया और करोड़ों की लागत से बनने वाले नवीन बस स्टैंड के लिए भूमि पूजन भी किया। राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल और मुख्य अतिथि राजेंद्र शुक्ला ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा पैसों का रोना रोती थी, आज शिवराज सिंह चौहान के राज में विकास की गंगा बह रही है। जमीन का रोना रोते थे ये लोग, कोई भी काम करना हो, हमारे क्वार्टर से रिवर रोड बनानी हो, हमारे क्वार्टर से मैहर रोड बनानी हो, रामनगर से जिगना मोड़ रोड बनानी हो, जिगना से गोविंदगढ़ रोड बनानी हो, इनके पास कभी पैसा नहीं रहा, हमेशा पैसे का रोना रोते थे। जब तक चुनाव नहीं आता तो कहते थे कि हमको चुनाव जिता दो, हम आसमान से तारे तोड़ कर लाकर आपको दे देंगे। जब चुनाव जिता देते थे तो विकास के लिए जब जनता उनके पास जाती थी तो कहते थे हमारे पास पैसे नहीं है। लगभग 20 बार 12 करोड़ की लागत से बनता है। आने वाले समय में जिनका मुखिया एक साल पूरा हो जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।